अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल एंड इफ़ यू डोंट नो कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आई मेक वीडियोस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और थोड़ी सी पढ़ाई की भी बातें करती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टैकल द universal challenge of procrastination. So if you found yourself keeping your important task until the last minute and you're struggling to be more productive, then you're not alone. Procrastination ek bahut hi common challenge hai jo majority of log bahut zyada experience karte hain apni life mein. Iski wajah se hum apne time ko manage karne mein bahut zyada challenges face karte hain. So today's video is about procrastination. What are the reasons, what are the consequences and how we can manage this issue. So if you're interested, keep watching. So at first, let's understand what procrastination is. So procrastination is an act of delaying and avoiding an important task that need to be done as soon as possible. Aur ye majority issue hamara psychological hota hai aur isko overcome karna bahut zaruri hai. Procrastination ek aisa issue hai jisko hum own kiye hue hote hain aur hame pata nahi hota ki we are actually procrastinating a lot of tasks. There are a lot of psychological effects as well associated with procrastination. Number one is the fear of failure. हमें डर होता है कि कहीं हम ये काम करेंगे और फेल ना हो जाए इस चीज़ में या हम कर नहीं पाए उस चीज़ को. सेकेंड थिंग होती है कि यू आर वेरी परफेक्शनिस्ट, आपको हर काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहना अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रैग अ टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक कि मुझे इसको किस पोजिशन में ड्रैग करना है, उसको मैं कितने एंगल से ड्रैग करूँ कि ये कोई चीज़ दूसरी चीज़ को टच ना करे और ये प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए. इस परफेक्शनिज्म की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट करते हैं एंड वी डिले आर टास्क. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर एसोसिएटेड विद प्रोकेस्टिनेटिंग इज ड्यू टू द लैक ऑफ मोटिवेशन. इंटरेस्टेड इन डूइंग लॉन्ड्री, देन यू विल प्रोकेस्टिनेट. आप उस काम को डिले करते रहोगे, फिर डिले करते, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा. इफ़ यू लाइक समथिंग, आपके अंदर मोटिवेशन होगी, यू विल डू इट विदाउट थिंकिंग. Now we'll focus on the what are the real life consequences of procrastination. Due to procrastination, we fail a lot. Hamare grades acche nahi aate. Also fail in a lot of practical exams. Fail to achieve good opportunities at work as well. जो आपके लिए बहुत profitable हो सकती थी वो सारी opportunities आप miss कर रहे होते हो and you never realize. If you are losing grades, if you are losing opportunities at work, quality of people experience a lot of stress and anxiety. और जब स्ट्रेस और एंग्जाइटी एग्जिस्ट कर रही होती है आपकी लाइफ में, आप पढ़ रहे हो, आप ऑफिसेज में हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स. आप घर पे भी होते हो, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर नॉट वर्किंग, आप घर में पढ़ते हो, यू आर स्टडिंग प्राइवेटली, यू विल हैव अ पाइल ऑफ वर्क दैट आर अनफिनिश्ड एंड यू विल नेवर गेट अ मोटिवेशन टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम. और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ड्रैग 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 होती रहती हैं एंड इन द एंड आप सोच रहे होते हो कि व्हाट आई मिसिंग, ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मगर द थिंग दैट यू आर मिसिंग इज़ डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम. इसको ओवरकम करना भी बहुत चैलेंजिंग है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फेयर को ओवरकम कर सकते हो. वी विल टॉक अबाउट टिप्स टू ओवरकम द प्रोकेस्टिनेशन. लेट्स गेट टू द गुड पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टिप्स टू ओवरकम द प्रोकेस्टिनेशन एंड हाउ यू कैन मैनेज योर ऑल टास्क एंड हाउ टू अचीव ऑल द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एट वर्क, एट स्कूल एंड ड्यूरिंग योर स्टडीज. सो नाउ फोकसिंग ऑन हाउ टू मैनेज योर टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी क्लियर अबाउट योर गोल्स. यू हैव टू सेट योर गोल्स, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टास्क. To set your goals, you have to differentiate your goals in two parts, your short-term goals and your long-term goals. Prioritize your task on the basis of urgency. Aur isko understand karne ke liye, you should be clear about your short-term goals and your long-term goals. Another approach jo ke bahut effective hoti hai for managing your time is creating a to-do list. Write down all your work, your tasks that need to be done on daily basis. Phir aap usko priority basis pe, uski deadline base pe, usko complete karein. थर्डली, जो आप मैनेज कर सकते हो अपने टाइम, वो है यूजिंग अप्रोच ऑफ टाइम ब्लॉक. टाइम ब्लॉक में ये होता है कि आप अपने एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम एलोकेट कर लेते हो कि मुझे 6 to 9:30 पढ़ना है. इस टाइम ब्लॉक में मैं और कोई दूसरा काम नहीं करूँगा या करूँगी.
अगर आप अपना रूटीन सेट कर लो, दिस इज ऑल फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर टाइम, अगर वो एक बजे अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से आ गए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि 2 to 3:30 तक मुझे सोना है, आई हैव टू रिलैक्स। फिर उसके बाद 4:30 to 6:30 तक उनको अपने बाकी सारे जो प्रायोरिटाइज बेस पे काम है, जो घर के काम है, बाहर के काम है, उस टाइम ब्लॉक में उनको कंप्लीट करने हैं। 6:30 onwards 9:30 तक उनको पढ़ाई करनी है और उसके बीच में उनको और कुछ नहीं करना। तो दिस अप्रोच ऑफ टाइम ब्लॉक रियली सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। आप easily अपना टाइम मैनेज कर सकते हो थ्रू दिस अप्रोच। आप एक ही वक्त में 10 काम नहीं कर सकते। इफ यू ट्राई टू डू दैट, आप कोई एक भी काम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अवॉइड मल्टीटास्किंग, इंस्टेड यूज टाइम ब्लॉक्स टू मैनेज योर टाइम। आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। यू हैव टू कीप योर फोन अवे। यूजली क्या होता है, हमने अपना फोन यहाँ रखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है, इट जस्ट डिस्ट्रैक्ट यू। पिक अप योर फोन एंड जस्ट ट्राई टू चेक। और चेक करने के चक्कर में हम एक घंटा फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्पेंड कर चुके होते हैं एंड वी नेवर रियलाइज कि हम अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। टाइम ब्लॉक था हमारी पढ़ाई का, वो हम उसमें से एक घंटा वेस्ट कर चुके हैं ना। अब वो 9:30 to 10:30 चला जाएगा वो टाइम, और उसकी वजह से जो 10:30 का काम करना था आपको वो और डिले हो जाएगा, और फिर वो डिले होकर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ पर चला जाता है। एंड दैट आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोकेस्टिनेटिंग। तो इसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू अवॉइड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं एंड दे ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन, जो कि पॉसिबल नहीं है। यू आर डूइंग योर जॉब, साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में आपकी अपनी दूसरी और भी प्रोजेक्ट्स, छोटे मोटी चीज़ें हो रही हैं, यू हैव टू गो फॉर शॉपिंग, यू हैव टू बाय समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो फिर आपको लगता है कि यू नीड हेल्प। बट जो कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको परफेक्शन चाहिए होती है, उनको अपना काम अपनी तरह से अच्छा लगता है, इन दैट केस वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होते हैं। दे आर कीप डिलेइंग देयर टास्क, ये मुझे ही करना और ये मैं ही करूँगा, और ये मैं कल कर दूंगा, ये मैं परसों कर दूंगा, वो टास्क कभी कंप्लीट नहीं होते। सो टू मैनेज योर टाइम, टू अवॉइड प्रोकेस्टिनेटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये होगी कि आप आउटसोर्स करना सीखें, अपने काम को डेलीगेट करना सीखें, कि किसी को बता दें कि जो काम वो मोर एफिशिएंटली कर सके तो वो कर दे। अनदर टिप टू ओवरकम द प्रोकेस्टिनेशन इज द 2-minute rule। व्हाट इज 2-minute rule? 2-minute rule नहीं होता कि इफ एनी टास्क रिक्वायर ओनली 2 minutes देन डू इट इमिजिएटली। अगर आपको लगता है ये काम मैं 2 मिनट में करके फारिग हो जाऊंगा, तो हम यूजुअली ऐसे काम को प्रोकेस्टिनेट कर रहे होते हैं कि यार ये तो मैं कर दूंगा थोड़ी देर में, कल देखेंगे, यार ये तो 2 मिनट का काम है, कल देखेंगे, कल कभी आती ही नहीं है। So, 2-minute rule is कि if any task can be done in 2 minutes, then do it immediately. The last thing to overcome procrastination is to develop a healthy routine. If you try to maintain your consistent routine, already prioritize your tasks, you have already divided your complex tasks into manageable tasks, already created your to-do list, then वो आपकी routine already consistent और scheduled हुई भी होती है, and in that way you can easily achieve all your tasks. कभी भी delay नहीं होंगे, you feel productive, you feel motivated. अगर आपके पास दिन के आखिर में एक घंटा भी बच रहा है and you're just sitting, तो आप इतने ज़्यादा fulfilled, बहुत relaxed feel करते हो, and first of all आप you will not be stressed or anxious, you will be mentally relaxed. तो a consistent daily schedule आपको बहुत हेल्प करेगा टू ओवरकम योर प्रोकेस्टिनेशन। सो टू कंक्लूड ऑल दिस, आई विल जस्ट से स्टेइंग मोटिवेटेड इज अ की। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू ओवरकम दी प्रोकेस्टिनेशन। इट ऑल स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू प्रोकेस्टिनेटिंग। यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट सम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज एंड सम टाइम मैनेजमेंट अप्रोचेस। सो टेक एक्शंस एंड स्टार्ट गेटिंग योर थिंग्स डन ऑन टाइम। Thank you for watching. If you find this video helpful, then please hit the like button, and I hope you will boost your productivity level and you will understand how to overcome procrastination. If you like more content like this, so please subscribe my channel and keep watching and keep supporting. See you in next video. Until then, Allah Hafiz.